साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। नगर संग्राम में आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर 4 मई को पहली वोटिंग होनी है, वहीं दूसरी वोटिंग 11 मई को होगा, 13 मई को रिजल्ट आने हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। यहीं पर सभी प्रत्याशी जो हैं जनता के बीच जाकर समर्थन ले रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ नगर संग्राम में प्रकाश मित्र उर्फ हीरू हमारे साथ जुड़ेंगे, जो सभासद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 15 पूर्वा से। कोरोना काल में इन्होंने जनता की बहुत ज्यादा मदद की थी, असहाय गरीबों की मदद की थी। जनता के बीच में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। नगर संग्राम में हीरू जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। हीरू जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हीरू जी प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नंदिनी। हीरू जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए और आपके राजनीतिक सफर क्या है, कुछ है? हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। नंदिनी जी, मैं आपके प्राइम टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप दर्शक हमारे हैं। मेरा राजनीतिक करियर पिछले वर्ष जो नगर पंचायत का चुनाव में चुनाव हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ है। और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं बैंक में नौकरी करता था, स्टेट मैनेजर था। और मैं इस चुनाव संग्राम में जब मैंने हिस्सा लिया तो मुझे समाज सेवा करना, मुझे नौकरी छोड़ के मैं समाज सेवा की भाव रखता हूँ, इसलिए मैं समाज सेवा के लिए इस वार्ड नंबर 15 श्री पूर्वा से वर्तमान सभासद हूँ। निर्दलीय सभासद हूँ। जनता ने छठी बार भी मुझे अपना अमूल मत देके मुझे वोट किया और करके मुझे चुनाव जिताया। उनको विश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी विश्वास, इसी दृढ़ संकल्प के साथ पुनः मैं इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोटा के नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 15 श्री पूर्वा से जी। प्रकाश जी, आपने बताया कि नौकरी छोड़कर आप एक समाज सेवी बन गए, तो राजनीति में आपका मार्गदर्शक कौन है? देखिए, राजनीति में हमारे मार्गदर्शक कोई नहीं है। राजनीति में अपने जनता जनार्दन के प्रेरित होकर मैं राजनीति का हिस्सा बना हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि अभी पिछले वर्ष जो भी सभासद यहाँ में रहे क्षेत्र में, जो भी लोग यहाँ पे समाज सेवा की भाव रखते थे, उन लोगों ने जनता का कोई काम नहीं किया। न साफ सफाई की व्यवस्था रहती थी क्षेत्र में, वार्ड में लोग परेशान होते थे। जो वर्तमान सभासद प्रत्याशी था, जो वर्तमान सभासद थे, ना वो जनता के बीच में जाते थे। चुनाव आता था 5 साल बाद तो वो जनता के बीच में घूम घूम के और मान्यगण काम करते थे। मैंने जब पिछली बार का चुनाव रहा तो मैंने देखा इस चीज को कि क्या रीजन है कि जो प्रत्याशी है पिछली बार उसका इतना विरोध क्यों है। तो मैंने उस चीजों को पढ़ा, समझा जनता के बीच में जाके कि क्या मतलब ऐसी तरीके की चीजें हैं कि जो प्रत्याशी 20 साल से यहाँ से सवाल सत्ता पर ऐसी क्या अचानक उसके प्रति लोगों के मतलब उसके प्रति लोगों के बीच में ऐसी किसी भावनाएं उत्पन्न हो गई कि जिससे उसको लोग लाइक नहीं करते। उसका सिंपल सा तरीका यह था कि 5 साल जनता से दूर होना, इसीलिए जनता ने उसको नकारा। प्रकाश जी, आपने बताया कि नौकरी छोड़ी आपने, फिर समाज सेवी बने, इसके बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या घर वालों की रही होगी, क्योंकि नौकरी छोड़ के आप फिर राजनीति में आए, कैसा समर्थन मिला आपको? देखिए, राजनीति में जब मैंने राजनीति का हिस्सा बना तो मेरी नौकरी छूटने के बाद में आपको पता होगा कि सभासद के पास कोई न्यूनतम बजट नहीं होता है। सभासद के पास कोई न्यूनतम बजट नहीं होता है, ना उनका कोई वेतन होता है, ना उनको
मीटिंग का बोर्ड मीटिंग का भत्ता दिया जाता है, वो भी 1000 रुपए बोर्ड मीटिंग का भत्ता हम लोगों को मिलता है। जब मैंने नौकरी छोड़ा तो मैं 8 महीने के लिए बेरोजगार हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं बहुत डिस्टर्ब भी हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ कि मैंने ये क्या कर लिया, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी खुद की कंपनी डाली जिसमें मैं वर्क करता था। मैं NBFC बैंक में जॉब करता था और NBFC बैंक में जॉब करने के बाद मैंने अपनी छोटी सी फर्म डाली। फर्म के थ्रू हमारे कई सारे क्लाइंट थे जो हाई लेवल पे काम करते थे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उनसे हमने संपर्क करके अपनी कंपनी का जो वेंचरशिप स्टार्ट किया। वेंचरशिप करने के बाद मैंने फिर 8 महीने बाद मैंने अपने आप को स्ट्रगल करने के बाद आज हमारे कंपनी में करीबन 90 एम्प्लॉई काम करते हैं पूरा यूपी ईस्ट। मैं 90 लोगों को रोजगार भी दे रखा हूँ, अपने क्षेत्र के लोग भी हैं, कुछ हमारे बाहर के भी लोग हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं समाज सेवा करूंगा, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्ट्रगल किया। आज बिजनेस मैं रोजगार भी लोगों को दे रहा हूँ, तो आज की डेट में जो रोजगार है मैं उनको नौकरी भी दे रखा हूँ, यहाँ मेरे यहाँ काम भी करते हैं, मेरे साथ में चुनाव में सहयोग भी करते हैं। वैसे सोच थी हमारी के एक बड़ी कंपनी डालनी की, कंपनी का मालिक बन के बैठूंगा, 10 लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा, इसी सब विश्वास के साथ इस राजनीतिक सफर में मैं रहा। प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में तमाम पार्टियां हैं, प्रदेश में तमाम बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? क्या आपको कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, देखिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के लेखन में हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ। वर्ष 2002 से मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ में संगठन में काम भी कर रहा था। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ में, जब मैं एक जनप्रतिनिधि बनकर जब मैं आया अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, तो मैंने मेरे दिमाग में ये चीजें निकल चुकी थी कि मैं एक वार्ड का प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे लिए छोटा बड़ा लड़ा पिछड़ा जात का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझे सबको साथ लेके चलना है। और इसीलिए मैं किसी पार्टी से राजनीति नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी के दबाव में राजनीति नहीं कर सकता हूँ। मैं फ्रीडम और स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्त हूँ और स्वतंत्रता मुझे पसंद है। मैं किसी के पार्टी के साथ में बंदिश में लेके काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे दरवाजे से जो आता है मेरा फर्ज है कि अगर कोई मेरे दरवाजे से आया है तो मेरी प्राथमिकता होती है कि मेरे दरवाजे पर अगर वो आया है तो कुछ सोच समझ के मेरे पास आया है, किसी बड़ी उम्मीद के साथ मेरे दरवाजे पे आया है, मेरे घर पे आया, तो मैं उसकी समस्या का समाधान करूँ। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि भूटा नगर पालिका में 27 वार्ड है, 27 वार्ड के लोग भी मेरे पास आते हैं काम कराने के, जानते हैं कि ये साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और इनके अंदर ऐसी कोई दुर्भावना नहीं किसी के प्रति। मैंने कई लोगों का जो मेरे दरवाजे पे आता हूँ सबका काम करता हूँ। प्रकाश जी, आपके क्षेत्र में आपको कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए हमारे वार्ड में कई सारे, जैसे हमारा वार्ड जो है वार्ड गोंडा शहर का दिल है, सबसे बड़ा वार्ड है। हमारे वार्ड में करीबन 3800 के आसपास मतदाता है और गोंडा की जितनी प्राचीन चीजें हैं, वो चाहे मंदिर रख लीजिए, चाहे हॉस्पिटल रख लीजिए, चाहे सिटी रख लीजिए, कोतवाली रख लीजिए, चाहे जो भी प्राचीन चीजें हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बैंकें वगैरह, तो सारी चीजें हमारे रोड के प्रतिष्ठित वगैरह हैं, तो जो भी चीजें हैं हमारे वार्ड में, तो मेरी प्राथमिकता ये थी कई साल मेरी प्राथमिकता ये थी कि अगर कोई मेरे वार्ड में व्यक्ति आवे तो उसको लगे कि हाँ यहाँ का सभासद कौन है जिसे मेरा मान सम्मान बढ़े। प्रकाश जी, बिजली, सड़क, पानी के अलावा आप अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहली प्राथमिकता पे रखते हैं? देखिए 20 साल से हमारे वार्ड में बिजली थी, बिजली समस्या थी, पानी की समस्या थी, नाली की समस्या थी, सड़क की समस्या थी। हमने सबसे पहले जब मैं चुनाव जीता तो अपने जो नगर पालिका के कर्मचारी थे उनको मैंने बुलवाया, उनसे मीटिंग किया कि हमारे वार्ड में कितने कर्मचारी समय कार्यरत है, कितने लोग काम कर रहे हैं। पहले कर्मचारी दिखते नहीं थे हमारे वार्ड में, मुझे पता ही नहीं था कौन कर्मचारी क्या। आज पिछले 8 कर्मचारी पिछले सत्र में जब मैं हमसे पहले जब सभासद हुआ करते थे तो उनके पास 8 कर्मचारियों की लिस्ट हुआ करते थे, और 9 कर्मचारियों का पता नहीं रहता था कि अपने घर पे हैं, कि क्षेत्र में काम कर रहा है, कि क्या कर रहे हैं। गंदगी की बर्बाद थी। जब से मैं सभासद बना सबसे पहले मैंने अपने वार्ड के सारे कर्मचारियों को बुलवा के मैंने टीम को चिन्हित किया कि हमारे यहाँ कौन कौन सा कर्मचारी काम कर, उनको कर्मचारी को काम करने के बाद मैंने पूरे मोहल्ले का निरीक्षण किया अपने सफाई इंस्पेक्टर के साथ कि कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे सड़क की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है,
और उसका मैंने एक मैप तैयार किया। मैप तैयार करने के बाद से जो काम हमारे प्रमुख थे, जब पहली बोर्ड मीटिंग हुई तो मैंने ऐसे प्रमुख कामों को बोर्ड मीटिंग को समझ अपना प्रस्ताव रख के उन चीजों को प्रायोरिटी बेस पर काम कराए। जैसे कि आपको बताना मैं चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले में एक हमारा वार्ड में लोहिया धर्मशाला के सामने जगह पड़ती है, जहाँ पे हाईकोर्ट में सड़क परिवहन के मुकदमा भी चल रहा था। वहां के लोगों ने हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल कर रखी, लेकिन बट उन लोगों से सामंजस्य बना के किसी के घर से शादी होती थी, ब्याह होता था, तो उनके यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं करा सकते थे। बीमारियां फैलती थी, जल भराव की समस्या बनी रहती थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। आज आधार लीजिए वहां पे कह चुकी है, वहां के लोगों से आप पता कर लीजिए। प्रकाश जी, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती है, मूलभूत सुविधाएं गरीबों के लिए, असहायों के लिए, तो आप उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे जो धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं? देखिए, मैं आप कह रही सरकार की योजनाओं के बारे में, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ लोगों को कि जो सरकार की योजनाएं चल रही थी जी, हमारे वार्ड में ऐसी बड़ी बस्तियां होती थी जहाँ पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं। हमने वहां पे सबसे पहले उसको आवास की व्यवस्था कराई, प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत जितने भी झोपड़पट्टी वाले थे मैंने उनको 2.5 लाख रुपए दिलवा के उनका पक्का निर्माण कर दिया। दूसरी चीज, सरकार सुविधा चले थी आयुष्मान कार्ड की भी हमने लोगों को व्यवस्था कराई, राशन कार्ड भी बनवाया, और जितनी सभी पेंशन विधवा पेंशन जो भी चल रहा था हमने अधिकतर जनता के बीच में ले जाकर उनका काम कराया। अभी आज 5 साल का यह नतीजा है, जनता के बीच में बने हुए और जनता का फिर क्या हमको मिल रहा है, उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से मैं दोबारा चुनाव मैदान में निकली। प्रकाश जी, आपको जनता का समर्थन मिल रहा है, फिर भी आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देख रहे हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी के तौर पे तो आज की डेट में अगर मैं बात करूंगा आपसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है हमें तो लग रहा है हमारा प्रकाश जी, आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो जनता आपको बताती है कि हमारे क्षेत्र में ये सबसे बड़ी समस्या है, अगर इसका निस्तारण हो जाएगा तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है वो विद्युत विभाग की समस्या। बहुत सारे ऐसे जर्जर पोल है, बहुत सारे ऐसे तार है जो उलझे पड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ी हमारे मोहल्ले की समस्या है। इस बार हमें उसी समस्याओं के समाधान के लिए हमें काम करना हो जो मेरे अधूरे काम थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने वार्ड में मैंने एक कार्यक्रम कराया था जब कोविड काल चल रहा था, मैंने कार्यक्रम कराया था, जितने हमारे मीडिया बंधु हैं, जितने हमारे पुलिस कर्मचारी, जितने हमारे मेडिकल के स्टाफ थे, जितने हमारे सफाई कर्मचारी थे, मैंने ऐसे लोगों को चिन्हित करके 2-2 लाख रुपए का मैंने लोगों का बीमा करवा के दिया था कोरोना फाइटर जी। प्रकाश जी, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मेरी तो सबसे मैंने आपसे बताया कि मैंने अपनी एक कंपनी डाल रखी, जो भी हमारे युवा बेरोजगार हैं बच्चे, हम अपने आप खुद उनको नौकरी पे रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनको वेतन देते हैं। जी प्रकाश जी, महिलाओं और बेटियों की बात करें तो महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, आप महिलाओं बेटियों की बात करते हैं, बेटियों की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक कॉलेज पढ़ता है नारी ज्ञान स्थली महाविद्यालय के नाम से, जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रोड निर्माण का काम नहीं था, वहाँ पे सड़कें नहीं थी, वहाँ पे 2x2 के पत्थर लगे हुए थे, बरसात वगैरह में बच्चे वहाँ पे लड़के आती जाती थी, तो मैंने देखा साइकिल वगैरह से बच्चे स्लिप करके गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, इसलिए मैंने ऐसे लड़कियों को देखते हुए मैंने वहाँ पे सड़क निर्माण का काम किया, जिससे हमारी बेटियों को, बहनों को आने जाने में कोई समस्या ना हो, कहीं पे तकलीफ ना हो। और रही बात उसके लिए, हमारे यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए तो शादी ब्याह की भी व्यवस्था करा दो, मैं वो अपने इंडिविजुअल फंड से मैं व्यवस्था करके देता हूँ, मुझे सरकार से योजनाएं मिलती हो तो मिलती है, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे मरीज बस्तियों में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको जिनके दरवाजे पे कोई नहीं जाता होता, उनके दरवाजे पे खाना खाता हूँ, उनके दरवाजे पे पानी पीता हूँ, मैं उनके उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। प्रकाश जी, स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे? मैडम, शिक्षा के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे वार्ड में कोई विद्यालय नहीं है, हमारे यहाँ मरीज बस्ती बोली जाती है, मरीज बस्ती छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार के,
जिनको असुविधा है, हमारे यहाँ जगह नहीं वहां पे कि हम वहाँ पे निर्माण कार्य करा सके। इसके लेके मैंने अदले जिलाधिकारी मोदी से मैंने अपने इसी कार्यकाल में मैंने चर्चा भी किया था, बट ऐसी जगह नहीं, जमीन नहीं मिल पा रही, इसलिए हम वहाँ पे विद्यालय निर्माण का कार्य नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, हमारे यहाँ वार्ड में जो सम्राट विधायक जी हैं जो अच्छे व्यापारी है, इस बार मैं अपने वार्ड में मोहम्मद वाइज एक कमेटी छोटी छोटी बना के उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव, 5 लोगों के सदस्य, 7 लोगों की कमेटी बनाऊंगा और वहां पे जो भी समस्याएं मोहल्ले की होगी पहले उनके पास जाएंगी, सम्राट विधायक जी हैं उनके पास, फिर मेरे पास समस्या आएगी और ऐसे करके अपने पूरे वार्ड का, ये ना हमें ये ना ढूंढना पड़े कि आप आपको समस्याओं से जूझना पड़े किसी को हमारे वार्ड में। प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, अपनी जनता से? देखिए, मैं आपके प्राइम टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए मैं फिलहाल मैं किसी राजनीतिक पार्टी का निष्पक्ष नहीं हूँ, हमसे कई लोगों ने कहा कि राजनीतिक पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन नंदिनी जी पार्टी तो बहुत सारी है, बहुजन समाज पार्टी से भी हमको ऑफर आया था कि आप कोटा से चेयरमैन का टिकट ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़ने जाता तो पर्चा को भी दाखिल कर सकता है और आदमी स्वतंत्र है, तो नगर पालिका में सांसद का भी दाखिल कर सकता है, विधायक का भी कर सकता है, हर जगह आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 5 साल कार्यकाल पिछला बीता है और जो आगामी अगर आप लोगों का आशीर्वाद होगा, जनता का प्यार होगा, अगर फिर मैं दोबारा अगर रिपीट होकर अपने सभासद बनता हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो पूरे काम उसको पूरा करेंगे और आगे भविष्य में जो राजनीति हमारी वार्ड की जनता तय करेगी उसके अकॉर्डिंग अगर वो लोग बोलेंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी से आप चुनाव लड़िए या निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो मैं आगे अपने इस राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लड़ने के लिए तो कोई लड़ सकता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपके साथ नहीं, जब तक आप मैं अपना मेरे अपनी सोच है ऐसे फिर आपको राजनीति में नहीं, अगर लोगों का समर्थन है, अगर लोगों का प्यार आपके साथ है, तभी आप राजनीति के चुनाव है, अन्यथा राजनीति आप मेंबर बन सकते, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी। तो हमारे साथ सभासद प्रत्याशी गोंडा से वार्ड नंबर 15 छेदीपुरवा से सभासद प्रत्याशी प्रकाश जी थे, जिन्होंने अपनी चुनावी रणनीति बताई है। निकाय चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है, 4 मई को पहला वोटिंग है, 11 मई को दूसरी चरण की वोटिंग होगी, वहीं 13 मई को रिजल्ट आएगा। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ